नमस्ते, चय की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का एक और वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने चार पांच डिजिट तक के एक्सपेंडेड फॉर्म बताए थे। आज मैं पांच और छह अंकों की संख्याओं के एक्सपेंडेड फॉर्म बताऊंगी। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। विस्तारित रूप, विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो होंगे वो होंगे फाइव और सिक्स डिजिट्स के। फाइव और सिक्स डिजिट्स के, तो फाइव और सिक्स डिजिट का पहले एक हम नंबर लिख लेते हैं। तो यहां पे हम पहले एक ग्रिड बना लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। तो ये ग्रिड हो गई, इसमें एक दो तीन चार पांच छह, छह डिजिट तक के इसमें हम नंबर लिखेंगे। तो कोई नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये हमने नंबर लिख लिया। नंबर जैसा कि आपको पता है कैसे पढ़ना है, इसको अकेले पढ़ना है, इन दोनों को साथ में पढ़ना है, क्योंकि दोनों मिला के हजार की जगह पे है, ये सैकड़े की जगह पे है और ये इकाई और दहाई की जगह पे है। तो नंबर होगा आपका 9,53,426, 9,53,426। अब इस नंबर का हमको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हर जो जितने भी प्लेस है उसका एक वैल्यू होती है, जो कि प्लेस वैल्यू मैं बता चुकी हूँ। हर प्लेस की एक वैल्यू होती है और उसी प्लेस वैल्यू से उस जो डिजिट उस प्लेस पर लिखा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमको एक्सपेंडेड फॉर्म मिलता है। तो नंबर हम लिख ले रहे हैं 9,53,426। अब आप यहां पर देखते चलिए कि 9 लाख, 9 लाख, तो सीधे हम लिखते हैं 9 लाख, 9 लाख धन, 10,000 की जगह लिखा है 5, तो 5 10,000 धन 3,000 धन 4 सैकड़ा धन 2 दहाई धन 6 इकाई। तो ये हमारा पूरा नंबर हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे 9 लाख है तो 9 × 1 लाख, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 9 × 1 लाख प्लस 5 × 10,000 या 10,000 प्लस 3 × 1,000 प्लस 4 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 6 × 1। तो ये हमारा नंबर हो गया। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9 को जब 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9,53,000
प्लस 50,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 6, ये हमारा नंबर हो गया। इसका और एक सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको ये पूरे स्टेप नहीं याद है या नहीं याद हो रहे हैं और मौके पे आपको क्वेश्चन ये आ गया है, आपको प्रॉब्लम ये आ गई है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर में, तो सिंपल ये है कि आप यहाँ से शुरू करिए लिखना। 9 आपने लिख दिया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 जीरो आपको लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, फिर प्लस, फिर 5 यहाँ पे है, 5 हमने लिखा, 5 के बाद कितने बॉक्सेस बचे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो हमने लगाए, उसके बाद में हमने फिर प्लस का निशान, फिर 3 है, 3 के बाद 1, 2, 3 बॉक्सेस है तो हमने 3 जीरो लगाए, प्लस 4 के बाद 2 बॉक्सेस है हमने 2 जीरो लगाए, प्लस 2 के बाद 1 बॉक्स है हमने 1 जीरो लगाया, प्लस 6 के बाद एक भी बॉक्स नहीं है तो हमने कोई भी जीरो नहीं लगाया। आमतौर पर बच्चे इसी तरह से याद कर लेते हैं और उनको ये चीज थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, बट एक्सपेंडेड फॉर्म वो करना सीख जाते हैं और ज्यादातर वो इसी तरीके से सीखते हैं कि हमें जो भी गिनती लिखी है, जो भी अंक लिखा है, उसके आगे उतने ही जीरो लगा देने जितना आगे स्पेस है। तो ये जो हमें संख्या एक्सपेंडेड फॉर्म मिलती है वो इसी से मिलती है कि हम उसकी जो वैल्यू है उससे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ लिखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ और लास्ट इस डिजिट की प्लेस वैल्यू वहां। तो इस तरीके से हमको ये एक्सपेंडेड फॉर्म मिलता है या विस्तारित रूप मिलता है। ये था विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म का वीडियो, और इससे पहले प्लेस वैल्यू का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ 5 और 6 डिजिट का, तो अगर वो वीडियो आपको देखना होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इनका एडिशन जो है ये आना चाहिए, ये याद रखने की बात है, और ये 3 स्टेप्स में ही होता है, आप ये लिखेंगे तो भी सही है और ये लिखेंगे तो भी सही है, बट यही लिखना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये था एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, अगले फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते, बाय बाय।